Hi everyone, how are you? I'm Preet Gupta, Chartered Accountant. So, ab 1st April 2021 se e-invoicing ka concept mandatory hone ja raha hai. E-invoicing ke bare mein agar main bataun to ye ek electronic system hai jahan pe GST portal par aapne jo invoice issue kari hai unki kuch details aapko upload karni padti hai. So, ye pehle 500 CR pe tha, matlab jin business ka turnover 500 CR cross karta tha, to unke liye government ne ye update leke aaye the. उसके बाद उस लिमिट को कम करके 100 CR कर दिया और अब उसको 1st अप्रैल से एप्लीकेबल कर दिया है 50 CR पे. सो अगर किसी बिजनेस का टर्नओवर 50 CR से ज्यादा होता है तो उनके लिए ई इनवॉइसिंग सिस्टम मैंडेटरी हो जाता है. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि ई इनवॉइसिंग को फॉलो करने के लिए कौन सा सिस्टम हमें यूज करना चाहिए. गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे फ्री टूल्स हैं, मतलब एक्सेल यूटिलिटी है जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके क्या प्लस क्या माइनस पॉइंट्स हैं. फिर हमारे पास ईआरपी सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, टैली बीजी वगैरह, इन तरीके से सॉफ्टवेयर्स आते हैं. और उसके बाद फिर हमारा कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आता है जो कि जीएसटी से रिलेटेड होता है. हर किसी के अपने कुछ प्लस अपने कुछ माइनस है, तो मैं आपको दोनों तीनों तरीके से कुछ बेनिफिट्स आपको बताता हूं और कौन सा परफेक्ट रहेगा उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट के एक्सेल यूटिलिटी के बारे में. तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए हैं या जो भी पहले सर्टिफिकेशन कोर्सेज पढ़ चुके हैं तो उनको पता है कि पहले भी मैं आपको एक कंपैरिजन बता चुका हूं कि जीएसटी पोर्टल हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है. ये उसकी सबसे अच्छी बात है. ऑनलाइन है, यूटिलिटी है, वहां पे ऑप्शन सारे हैं, हम उसके थ्रू भी कर सकते हैं. बट सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि वहां पे ना कॉम्प्लिकेटेड वर्क करना एक चैलेंज हो जाता है. मतलब अगर आपके पास इनवॉइसेस बहुत सारी हो जाती हैं तो वहां पे एरर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और कहीं ना कहीं एक बग्स वाला इशू भी रहता है कि मतलब कंप्लेंट्स आती हैं कि वहां पे काम नहीं कर रहा है उस यूटिलिटी, तो ओवर द टाइम अलग अलग कंप्लेंट्स रहती हैं. तो फ्री है, ये उसका प्लस पॉइंट है. माइनस पॉइंट ये है कि उसमें आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है. सो इसलिए जब रिटर्न फाइलिंग का पार्ट आता है तो मैं आपको कह देता हूं कि अगर आपने अभी ही अपने प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट करी है, आप अपना या छोटा बिजनेस है, तो ठीक है डायरेक्टली पोर्टल पे यूज करिए. बट थोड़ा भी आप ग्रो करना चाहते हैं तो फिर आप कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर परचेज कर लीजिए, जो कि मैं नॉर्मली क्लियरटेक्स को रिकमेंड करता हूं. फिर सेकंड बात आती है ईआरपी सिस्टम के थ्रू. तो देखिए ईआरपी सिस्टम, मेरी अपनी पर्सनल एक ओपिनियन रहता है वो ये कि ईआरपी सॉफ्टवेयर को, जैसे टैली हो गया या कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, उसको आप अकाउंटिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, परफेक्ट है. बट अगर उसको ही आप डायरेक्टली रिटर्न फाइलिंग के लिए काम कर रहे हैं या इनवॉइसिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको मतलब एक चैलेंज आने लगते हैं. ऑप्शंस अच्छे हैं उसमें भी, ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है, बट चैलेंजिंग काफी ज्यादा हो जाता है. वहां पे भी मैनुअल एरर की मिस्टेक्स हो जाती है और प्लस एंट्री में अगर आपने वहां पे अकाउंटिंग में कहीं मिस्टेक कर दी है, कुछ वहां पे आपके अकाउंटेंट ने कोई गड़बड़ कर दी, तो हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट आपके रिटर्न पे और आपकी इनवॉइस वगैरह पे, उन सब चीजों पे इम्पैक्ट आ जाए. तो इससे अच्छा ऑप्शन हमेशा मैं कहता हूं, रिकमेंड करता हूं कि आप वो सॉफ्टवेयर यूज करिए जो कि पर्टिकुलरली जीएसटी के लिए ही बने हैं, जहां पे आपको रिटर्न फाइलिंग एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द जीएसटी ओनली, क्योंकि वो उसी पर्पस से बने हैं और वहां पे मतलब सारा इकोसिस्टम जो है, सारे ऑप्शन जो है, वो पर्टिकुलरली और डायरेक्टली सिर्फ जीएसटी को माइंड में रख के बने हैं. सो सेम जैसा कि मैं रिटर्न फाइलिंग के लिए भी कहता हूं और यहां पे भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ई इनवॉइसिंग के लिए यूज करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ई इनवॉइसिंग किसके लिए कर रहे हैं, जिनका 50 सीआर से ऊपर है ना, तो उनके लिए छोटी सी इन्वेस्टमेंट करना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है. मतलब यहाँ पे आपके लिए एक ये इन्वेस्टमेंट रिटर्न आपको देके आएगी, तो इसमें इन्वेस्ट करना बहुत इजी है, आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा. क्लियर टैक्स सॉफ्टवेयर, उसको ही मैं ई इनवॉइसिंग के लिए रिकमेंड करूंगा. उसका रीजन, सबसे पहला रीजन कि क्लियर टैक्स सॉफ्टवेयर जो है ना, ये बहुत मतलब वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर माना जाता है ऑल ओवर इंडिया. सबसे ज्यादा प्रोफेशनल्स और जो बिजनेसेस है वो क्लियर टैक्स सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, तो वेबसाइट पे जाके उनकी फर्दर डिटेल्स आप देख सकते हो. कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा. अगर आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज के रिगार्डिंग या सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कुछ और जानकारी चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं. अब इसमें आपको क्या बेनिफिट रहता है, सारा काम ना बहुत ज्यादा ऑटोमेटेड हो जाता है. कहीं एरर होती है तो एरर भी क्लियरटेक्स आपको बेटर आइडेंटिफाई करके बता देता है. उसमें रिकॉन्सिलेशन वाला पार्ट भी आपका बहुत इजीली हो जाता है, मतलब अगर आपको रिकॉन्साइल करना है सारी चीजों में, इजी है. प्लस वहीं से रिटर्न फाइलिंग, क्लियर टैक्स के थ्रू ही आपकी रिटर्न फाइलिंग भी हो जाती है, तो रिटर्न फाइलिंग का भी सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड हो जाता है. जैसे ही आपने ई इनवॉइसिंग किया तो उसके बाद जो आपको जीएसटी आर1 वगैरह फाइल करनी है तो वहां से ऑटोमेटेड चीजें हो जाती हैं.
प्लस इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या सेटअप प्रोसेस बहुत इजी है, कन्वीनियंट है। इनकी तरफ से आपको डेमो फ्री भी मिलता है और सपोर्ट के लिए भी, ये कहते हैं कि इस चीज के लिए कि बहुत स्ट्रांग इनकी सपोर्ट है, और जो भी मेरे थ्रू जिनसे कांटेक्ट रहता है तो उनका मानना भी है कि हाँ सपोर्ट इनकी अच्छी रहती है। सो दैट्स व्हाई आई विल रिकमेंड कि अगर आपके पास क्लाइंट है जो कि 50 CR से, तो उनसे आप फीस भी इतना चार्ज कर सकते हो, या आप अपने आप में एक बिजनेस है जो मतलब 50 CR का क्रॉस कर चुका है, तो एक नॉमिनल अमाउंट, वन टाइम नॉमिनल अमाउंट जो आपकी एनुअल है उसको इन्वेस्ट करना बनता है। सो डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक करिए, वहां पे डेमो भी शेड्यूल कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर की प्राइसिंग वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। और फिर भी कोई डिटेल आपको चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट करिए, और सर्टिफिकेशन कोर्सेज का भी लिंक आपको मिल जाएगा। इनकेस अभी तक आपने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, GST, इनकम टैक्स, टैली, एक्सेल वगैरह, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, और उसमें अर्निंग स्कोप बहुत अच्छा है। वो सब चीजें आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने पे वहां पे पता चल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।